हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील आनंद सर आज आप लोगों के लिए क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 2nd का 4th पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद सर स्टडी पॉइंट में। आइए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे विषय हैं, टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो हम मुख्य रूप से आज चर्चा करेंगे वो टॉपिक है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का बनना, किस तरह से हमारा संविधान बना। तो साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत में भी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय एक बड़ी त्रासदी भी साथ में लाया, और वो त्रासदी था भारत का बंटवारा। इस भारत देश के बंटवारे के समय लाखों लोग, एटलीस्ट 3 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जो विभाजन से संबंधित वायलेंस था, हिंसा था, उसमें पूरे दोनों देशों में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आप गदर फिल्म में भी इस तरह के सीन देखे होंगे। तो ये जो भयंकर हिंसा मची थी, ऐसे में संविधान निर्माताओं के सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। उस पर भी अंग्रेज़ों ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था कि जब आज़ादी उन्होंने दी तो शर्त के साथ दी। उन्होंने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान को ही अलग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितने भी छोटे मोटे राजे रजवाड़े हैं, सबको आज़ाद कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, भारत के साथ जाना चाहे भारत के साथ रहें, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसी अनसर्टेन स्थिति में उन प्रिंसली राजाओं को मनाना संविधान निर्माताओं के लिए, देश के कर्णधारों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो इस तरह से इस बड़ी मुश्किल परिस्थिति में एक तरफ तो नफरत का माहौल था पूरे देश में, हिंदू मुसलमान में दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ जो छोटे मोटे राजा थे उन्हें ये अधिकार दे दिया गया था कि वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो उनको अपने देश में मिलने के लिए सहमत करना ये भी एक चुनौती थी। इन सारी चुनौतियों के बाद भी, इन परिस्थितियों के बावजूद, कुछ हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एडवांटेज भी थे। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी परेशानियों के बावजूद भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कुछ एडवांटेज भी थे। वो एडवांटेज ये थे कि दक्षिण अफ्रीका के विपरीत यहाँ के जो लोग थे उनमें एक लगभग आपसी सहमति बन गई थी आंदोलन के दौरान ही, कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया होगा वह किस तरह का होगा, यानी उसके एक स्वरूप के बारे में आपसी सहमति लगभग बन चुकी थी। मच ऑफ दिस कंसेंस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल्स। ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही इस तरह के सहमति बन चुकी थी। हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, बल्कि उस समय के लोग इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो किस तरह का हमारा देश होगा। तो उस बारे में आपस में चर्चा चल रही थी। 1928 ईस्वी नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस के लीडरों ने भारत के लिए एक संविधान को ड्राफ्ट किया था। इसके अलावा 1931 में एक रिजोल्यूशन पारित हुआ था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। इन दोनों में ये तय किया गया था कि आज़ादी के बाद हमारा देश किस तरह होना चाहिए, देश का संविधान किस तरह का होना चाहिए। तो इन दोनों ही डॉक्यूमेंट से हमारे संविधान निर्माताओं को काफ़ी सहूलियतें हुई, और इसके तहत ये तय किया गया इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आज़ाद भारत में सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलेगा, जनता को राइट टू फ्रीडम और इक्वलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज होंगे, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। तो ये सारे जो मूल बातें थी संविधान की, उसके बारे में एक कंसेंसस जो था वो पहले ही बन चुका था।
इसके अलावे एक और बड़ी एडवांटेज था भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने कि भारत के लोग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उसके बारे में उन्हें अनुभव प्राप्त था, क्योंकि जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना और उसके बाद जो या उससे पहले भी जो इंस्टीट्यूशंस बने उस इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मौका मिला था भारत के नेताओं को। हालांकि वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन फिर भी एक तरह से वो उसमें से जो लोग थे वो चुने गए थे। 1937 ईस्वी के इलेक्शन में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना था जिसमें भारत के लोगों को मिनिस्ट्री संभालने का मौका मिला था, और इस तरह से उन्हें किस तरह से मिनिस्ट्री संभालनी है, किस तरह इंस्टीट्यूशन को चलाया जाता है, इसका अनुभव उन्हें मिल चुका था। तो ये एक अलग बेनिफिट थे। इसके अलावा दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक, भले ही वो पूरा डेमोक्रेटिक नहीं था, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक सेटअप था जिसके कारण यहाँ के संविधान निर्माताओं को ये सुविधा हुआ कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह से आने वाले समय में हमारे देश में काम करेगा, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक तरह से जो एडवांटेज था कि अंग्रेज़ों के सेटअप को इन्होंने अपनाया, एडॉप्ट किया। भारत के संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बहुत सारे बातों को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा एक और बातें थी कि भारतीय संविधान बनाने वाली जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके लोग दुनिया के जो दूसरे संविधान थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और उन संविधान की अच्छाइयों को भी उन्होंने अपने संविधान में शामिल करने से थोड़ी सी भी हिचक नहीं दिखाई। और लेकिन वो जो बातें थी उसको भारत के संदर्भ में किस तरह से वो लाभदायक हो सकता था, इस बात पर उन्होंने लगातार चर्चाएं की और फिर उनकी अच्छी बातों को स्वीकार किया, अपने संविधान में लिया। जैसे कि हम अगर बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार लिए गए। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप जो था वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया। आज भी हमारे देश में ब्रिटेन के तरह ही संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स लिए गए जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इस तरह से रशिया के संविधान से वहाँ के जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे इंस्पायर होकर के यहाँ के लोगों ने समाजवाद और इकोनॉमिक इक्वलिटी की अवधारणा को स्वीकार किया। हालांकि इन सब चीज़ को स्वीकार करने से पहले वे लोग काफ़ी सावधान थे और इस बात पर काफ़ी गहराई से विचार किया गया था कि उसको हम किस रूप में अपने संविधान में शामिल करें। ठीक उसी उसका नकल नहीं किया गया, इमिटेशन नहीं किया गया, बल्कि उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई, लोग सवाल जवाब किए और लास्ट में जब उसका एक सही स्वरूप आया तो उसको स्वीकार किया गया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।